बस हेलो लहर रमानब्राहिही हैलोकम्स कैसे हैं आप लोग आई होप यू आल आर डूइंग वेल आज की वीडियो है हमारी बी ए बी एस सी थर्ड ईयर की सेकेंड बुक की ठीक है जो विजुअल बेसिक की आपकी बुक है यानी प्रोग्रामिंग की जो बुक है उसके सिलेबस पर आज की वीडियो है उसका सिलेबस बताऊंगी जो आपको पंजाब यूनिवर्सिटी ने रिकमेंड किया है प्रीवियस वीडियो में मैंने उसकी थर्ड ईयर कंप्यूटर साइंस की फ़र्स्ट बुक का सिलेबस बताया था इन्फॉर्मेशन सॉरी इंट्रोडक्शन टू इंफॉमेशन टेक्नोलॉजी की तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी काइंडली वो जाएँ पहले वो वीडियो देखें मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी चलिए विजुअल बेसिक का सिलेबस स्टार्ट करते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड है कौन कौन से चैप्टर ऐड है वो हम देखते हैं तो वो क्या आपके विजुअल बेसिक ठीक है इसका स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्टार्ट और इंट्रोडक्टरी प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट से उसमें आ जाता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरीदम सूडो कोड प्रोग्रामिंग टेक्निक विजुअल प्रोग्रामिंग इवेंट डवेंट प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कंट्रोल एलिमेंट्स डेटा टाइप्स वेरिएबल्स असाइनमेंट स्टेटमेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स एंड स्कोप उसमें आ जाता है डेटा कन्वर्जेंस एक्सप्रेशन वेरिएबल स्कोप डिक्लेयर डिक्लेयरिंग फॉर्म एंड प्रोजेक्ट वेरिएबल्स एंड कॉन्सटेंट मॉड्यूल्स एंड प्रोसीजर्स में आपका आ जाता है सब प्रोसीजर इवेंट प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर एंड ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट ब्रांचिंग एंड लूपिंग में आपका आ जाता है प्रोसीजर फंक्शन प्रोसीजर ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट ब्रांचिंग एंड लूपिंग में आपका आ जाता है रिलेशनल ऑपरेटर्स लॉजिकल एक्सप्रेशन लॉजिकल ऑपरेटर्स एफ डनए केस फॉर नेक्स लूपिंग एंड डू एंड वाइल आई पी पी मैन्यू एंड डायलॉग बॉक्सिस में अरे सर्चिंग एंड शॉर्टिंग का चैप्टर आ जाता है उसके बाद व्हाट इज अरे डिक्लेयरिंग अरेज यूजिंग अरेज कंट्रोल अरेज इनोमेशन यूजर डिफाइंड टाइप्स ये सब आपने अरे वाले चैप्टर में करना है उसके बाद एरर हैंडलिंग सिक्वेंशल फाइल्स में आपका आ जाता है फाइल डिटेल्स फाइल ऑपरेटर एड ऑपरेटर टू प्रोग्राम्स प्रोग्रामिंग विथ फिक्स रिपोर्ट लेंथ उसके बाद इंट्रोडक्टरी डेटाबेस प्रोग्रामिंग में वाई यूज डेटाबेस डाटा कंट्रोल एंड क्रिएटिंग डाटा बाउंड कंट्रोल्स तो ये आपके चैप्टर टॉपिक्स हैं जो आपके टोटल सिलेबस यानी विजुअल बेसिक की जो बुक है आपकी उसका जो टोटल सिलेबस है वो यहाँ सामने आपको मेंशन है स्क्रीन पे मैंने आपको पढ़ के भी बता दिया है आपने अब बुक से चैप्टर टैली करके उसमें जो टॉपिक यहाँ बताए गए हैं वो सारे टॉपिक्स आपने मार्क कर लेने हैं और वही आपने तैयार करने इसके अलावा आपने कोई दूसरा चैप्टर या सिलेबस तैयार नहीं करना उसके बाद कुछ ये रेकमेंडेड बुक्स इन्होंने बताई हुई है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग विजुअल बेसिक की बाय एल्का और हेरीगर की उसके बाद विजुअल बेसिक सिक्स हाउ टू प्रोग्राम बाय डिटेल एंड डिटेल ये बुक्स है उसके अलावा नीचे दो और बुक्स हैं ये आपको रेकमेंडेड बुक्स हैं इन्होंने आपको बताई हैं आप ये भी यूज़ कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए वैसे स्टूडेंट आईटी सीरीज़ यूज़ करते हैं आईटी सीरीज भी ठीक है आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं और इन बुक से भी आप तैयारी कर सकते हैं तो ये था आपका टोटल सिलेबस यहाँ से आप टॉपिक नोट कर लें चैप्टर वाइज देख लें जो जो से टॉपिक यहाँ बताए हैं सिर्फ आपने वही तैयार करने इसके अलावा आपने कुछ भी तैयार नहीं करना तो ये सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से है ठीक है ये मैं खुद से नहीं बता रही तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो आपको सिलेबस बताया ये वही है इसके अलावा आप तैयारी करेंगे तो थोड़ा टाइम वेस्ट करेंगे यही सर आपका टोटल सिलेबस है थर्टी फाइव मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम होगा और इसकी जो थर्ड ईयर की कंप्यूटर साइंस की जो दूसरी बुक है यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की उसका सिलेबस भी मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं जिन्होंने नहीं देखी पहले वो जाके वो वीडियो देखें लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अच्छा यहाँ टॉपिक वाइज है अब मैं आपको वैसे चैप्टर वाइज बता देती हूँ कि चैप्टर कौन से इंक्लूड है बी ए बी एस सी ए डी बी पार्ट वन थर्ड ईयर में विजुअल बेसिक का जो सिलेबस है वो आप वो आपका है वन टू एट चैप्टर एंड टेंथ चैप्टर वन टू एट चैप्टर्स जो हैं वो भी कंप्लीट नहीं है वन टू एट या टेंथ चैप्टर ये भी आपके कंप्लीट कंप्लीट चैप्टर्स नहीं है वैसे आपको लग रहा होगा कि नाइन चैप्टर्स है ऑलमोस्ट सारा सिलेबस हो गया नहीं ऐसा नहीं है ये जो वन टू एट या टेंथ चैप्टर है इसमें जो सिलेबस है या इसमें जो टॉपिक्स है वो भी कुछ कटिंग है कुछ इंक्लूड है तो वो भी कह लें कि आप पूरा पूरा आपको चैप्टर नहीं करने पड़ेंगे तो बहुत ही आप कह लें कि एक किस्म का शॉर्ट सिलेबस हो गया आपके लिए तो आपने जस्ट ये चैप्टर्स तैयार करने और जो टॉपिक्स आपको वहाँ मेंशन है वो आपने इनके ऊपर मार्क कर लेने हैं अपनी बुक पे कर लें या जैसा आपको ईजी लगे वैसे कर ले। तो यही टॉपिक्स और यही सिलेबस आपने करना है इसके अलावा आपने कोई और सिलेबस नहीं करना तो ये आपका टोटल सिलेबस है इसके बाद नीचे प्रैक्टिकल आ जाते हैं इन इंशाल्लाह उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी फिर आप वैसे ही वीडियो नहीं देखते और लंबी होगी तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखनी तो ये थी आपकी विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग की बुक की वीडियो जब वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं गैस uh, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ इन टॉपिक्स में से एक इंपॉर्टेंट कौन से चैप्टर्स uh, हैं जो आपने मस्ट करने हैं उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में रिपीट होते हैं तो उसके लिए आपको कमेंट्स करने होंगे ज़्यादा से ज़्यादा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें उसी बेस पे मैं फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा करें अपने फ्रेंड से शेयर कीजिएगा करें क्योंकि आपके लिए ही सारी मेहनत आपके लिए ही वीडियो बनाई जाती है तो जिन व्यूवर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कांड वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे टेक केयर अल्लाह हाफिज़